नमस्कार साथियों, आपको पता होगा न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन के बारे में तो बहुत सारे सवाल आते हैं, और साथ ही साथ जो भी हमारे सदस्य, जो नए नए सदस्य हैं, जो सोशल मीडिया के सदस्य हैं, जो लीपा से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि न्यूज़ वेबसाइट जो बनता है उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लेकर के आनी है, और न्यूज़ वेबसाइट बनाने में लीपा कैसे मदद करती है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम है। जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने एक कमेटी का गठन किया है। उस कमेटी के अनुसार अब आने वाले दिनों में जो भी न्यूज़ पोर्टल या न्यूज़ वेबसाइट बनेंगे उन सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग से उसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी होगा। और एक बार जब वो प्रक्रिया आ जाएगी तो आज जैसे कि होता है कि आपको किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है, तो स्वाभाविक है जब गवर्नमेंट कोई प्रोसेस बनाएगी तो आपको उस प्रोसेस से गुजरना होगा, तब जाकर के आप न्यूज़ पोर्टल या न्यूज़ वेबसाइट को स्टार्ट कर पाएंगे। तो हो सकता है आने वाले हफ्तों में या महीनों में बहुत जल्दी एक प्रोसेस हमारे सामने आ जाए कि यदि आप न्यूज़ पोर्टल शुरू करना चाहते हैं तो आपको इन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो इससे आपको सबसे ज़्यादा अभी इस बात के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए कि अगर आप न्यूज़ पोर्टल लाना चाहते हैं और आप इंतज़ार में बैठे हुए हैं बाद में करने के लिए, तो अब आपको और इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पहले से रजिस्टर्ड होंगे उसके लिए मापदंड स्वाभाविक रूप से बहुत आसान होंगे, और जो लोग नए आने वाले होंगे उनके लिए मापदंड काफ़ी कठिन हो जाएंगे। तो इसलिए लीपा जो है, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन, आपको यह सुविधा उपलब्ध कराती है। देश भर में जो 9000 अखबार हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने हमारी सुविधाओं का लाभ उठाया है। आप भी अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या न्यूज़ पोर्टल या न्यूज़ वेबसाइट आप अपनी शुरू करना चाहते हैं तो लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन आपको काफ़ी कम रेट पे, कंसेशन पे, जो 25,000-30,000 की वेबसाइट होगी वो 15,000-12,000 में आपको उपलब्ध कराएगी, और बहुत आसानी से आपके लिए बन जाएगा, जो ना केवल बिल्कुल हाईटेक होगी बल्कि बहुत अच्छी भी होगी, और आप उस वेबसाइट को एक न्यूज़ वेबसाइट के तौर पे, एक वेब न्यूज़ चैनल के तौर पे आप उसको चला भी सकेंगे। यदि आपको इसके संदर्भ में किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9899744568 पर संपर्क कर सकते हैं, और इस नंबर पे हमारे जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स होते हैं और ज़्यादातर टाइम वो भी फ़ोन उठाते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल लोग होते हैं वो फ़ोन को उठाते हैं, आप उनसे खुलकर बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, और अपने लिए न्यूज़ वेबसाइट बनाकर इस क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। धन्यवाद।